हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार और मज़ेदार अपनी फेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन ऑन द रॉक। तो चलें देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए हमें 700 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए। उसको बीच में से काट कर पतला पारचा बना लें और फिर उस पर छुरी से कट्स लगा दें। एक अलग बाउल में पहले मसाले सारे मिक्स करते हैं। एक टेबल स्पून योगर्ट डालें, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून वाइट पेपर और क्यूमिन पाउडर डालें 1 टीस्पून, और थाइम आधा टीस्पून डालें। अगर आपके पास थाइम ना हो तो ऑरिगैनो या दूसरा कोई इटालियन हर्ब डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून रेड चिली और सॉल्ट 1 टीस्पून, ये अंदाजे के मुताबिक डालें। फिर अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लें और फिर उसमें चिकन डालकर अच्छी तरह उस पर मसाला लगा कर आधे घंटे के लिए रख दें ताकि मसाला अंदर तक जब हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम लोग उसके लिए सॉस बना लेते हैं। पहले रेड सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें 2 टेबल स्पून विनेगर चाहिए, 4 टेबल स्पून हॉट सॉस चाहिए। मैंने सराचा यूज़ किया है, आप कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं, बस ये सॉस बहुत मिर्चों वाली होनी चाहिए। फिर उसमें 2 टेबल स्पून केचप के डालेंगे। गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद ना हो तो आप ना डालें। रेड चिली 1/2 टीस्पून डालेंगे। याद रखें ये बहुत तेज़ मिर्चों वाली सॉस होगी। अगर आपके घर में कम मिर्चें खाई जाती हैं तो आप कम डालें। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके एक बॉटल में भर लेंगे। अगर आपके पास बॉटल ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, चमचे से डाल सकते हैं, बस इससे ज़रा आसानी होती है। फ्रिज में रख दें इसे। फिर वाइट सॉस बनाते हैं। ये मेयोनीज सॉस है बेसिकली। इसमें जो है विनेगर डालेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आपको खटास कम पसंद है तो आप कम डालें। इसमें सब कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। योगर्ट मैंने यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। मेयोनीज 3 टेबल स्पून डाला है। ये बेसिकली मेयोनीज सॉस ही होती है, बस मैंने उसको थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए योगर्ट मिलाया है। ये ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है मैंने, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें बनाएं। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल दें और ऑरिगैनो डाल दें 1/2 टीस्पून, या कोई भी इटालियन हर्ब्स थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल दें। बस ये तैयार हो गया। फिर इसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। और अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब हम लोग राइस तैयार करते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालें और उसमें फिर 2 टेबल स्पून बटर के डालें और 1 टेबल स्पून बचा कर जब राइस तैयार हो जाएंगे तो फिर हम डालेंगे। एक टीस्पून इसमें करी पाउडर के डालें, बस 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा बस कलर आए और जायका आए। और 1 क्यूब चिकन के डालना है कनौर का, और 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो डालना है, और फिर इसमें चावल डालकर 1 मिनट तक तेल में फ्राई करें बटर में, और फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दें। मैंने 1/2 किलो चावल लिया है तो 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। नमक डालें और ढककर पहले तेज़ आंच पर पकाएं, फिर लो कर दें फ्लेम। और अब हम चिकन जब तक फ्राई करते हैं
इसके लिए भी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर इसमें चिकन डाल दें और दोनों तरफ से 4-4 मिनट के लिए पका लें। चिकन जब गल जाए तो उसे काट लें। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और यहाँ पे कनाडा में मैंने एक रेस्टोरेंट में खाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे थोड़ा सा है कि मैं हर चीज़ घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने बनाया तो बहुत ही मज़े का बना। उसके बाद से मैं ये अक्सर बनाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, सुपर डिलीशियस। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे राइस भी अपन के तैयार हो गए। इसके ऊपर अब 1 टेबल स्पून आप बटर डाल दें और चिकन को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। ये मैंने इसको डिस्पोजल बर्तन में ही सर्व किया, जैसे कि वो लोग सर्व करते हैं। वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा इस पर चिकन डालते हैं, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डालना चाहें उतना डालें। और इसको, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अभी मैंने इसके ऊपर सॉस डाल दिया, वाइट सॉस और रेड सॉस। इसमें ये आपके ऊपर है, जितना आपको पसंद है उतना डालें। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।